पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम के द्वारा आज अवैध प्लॉटिंग के तहत कार्रवाई की गई और राजूपाल और मोहम्मद फुरकान अली के द्वारा लगभग 15 बीघा भूमि में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसके विरुद्ध आज कार्रवाई करते हुए स्पष्टीकरण की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही थाना पागबड़ा के अंतर्गत गांव बागड़पुर में PNU हॉस्पिटल के सामने नरेश सक्सेना और हाजी मुकर्रम द्वारा अवैध रूप से एक होटल का संचालन किया जा रहा था, जिसको आज प्राधिकरण की टीम के द्वारा सील किया गया। कार्रवाई में प्राधिकरण के सहायक अभियंता KN जगुड़ी, मेधा यादव, अवर अभियंता मुकेश कुमार सक्सेना, RP यादव, GK पांडे और सभी प्रवर्तन टीम के कर्मचारियों के साथ थाना सिविल लाइन्स का पुलिस बल और पागवाड़ा का पुलिस बल भी मौजूद रहा। आज मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा मोरा मुस्तकम में लगभग 15 बीघा अवैध प्लॉटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। ये अपील करना चाहूँगी कि आप कहीं भी अवैध प्लॉटिंग ना करें। जहाँ भी आपको कोई डेवलपमेंट करना है तो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से नियमानुसार लेआउट पास कराकर करें। और ऐसी कहीं भी अगर कोई कॉलोनी काटी जा रही है तो लोग उस कॉलोनी में भूखंड ना खरीदें, क्योंकि ये सारे के सारे भूखंड ऐसे अवैध भूखंडों में आते हैं और उनके खिलाफ जब विकास प्राधिकरण की ओर से कार्रवाइयाँ की जाती हैं तो उसमें आम जनता का जो गाढ़ी कमाई लगी रहती है उसका भी नुकसान होता है। देखने में आ रहा है कि लगातार इस तरह के अवैध भूखंड सामने आते हैं, MD लगातार कार्रवाई करता है, क्या लोगों में जागरूकता भी लगता है कि कोई चेंजेस हैं? नहीं, अभी तो बहुत अवैध निर्माणों पर बहुत ज़्यादा अंकुश, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार लोगों से अपील भी करते हैं, मतलब इस तरीके के लीगल कंस्ट्रक्शन कहीं से भी अगर सूचना प्राप्त होती है प्राधिकरण की प्रबंधन टीम के निरीक्षण के दौरान या शिकायत के माध्यम से, तो प्राधिकरण के स्तर से तुरंत कार्रवाई नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के यहाँ वाद विवाद करके उसकी सुनवाई करने के उपरांत जैसे ही आदेश पारित होते हैं नियमानुसार उसके उपरांत उसके एग्जीक्यूशन की कार्रवाई की जाती है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।